तो प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 29 जिलों में सामने आए कोरोना पॉजिटिव, दोपहर 2 बजे तक 54 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जोधपुर में 30, जयपुर में 17, अजमेर में 3, अलवर में 2, चित्तौड़गढ़ और कोटा में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2720 हो गई है। वहीं आज 3 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई है। जयपुर में 2, जोधपुर में 1 पॉजिटिव की मौत हुई है। तो राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और 29 जिलों में ये मामले अब तक सामने आ चुके हैं। दोपहर 2 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं, जहां पर 54 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। जोधपुर में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। पिछले अगर 4-5 दिनों की बात करें तो ये आंकड़े जोधपुर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जयपुर की बात करें तो जयपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में आज 3 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। जयपुर में 2 और जोधपुर में 1 पॉजिटिव की मौत हुई है। तो प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका असर 29 जिलों में साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तो चलिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता लोकेश ओला इस वक्त जुड़ चुके हैं। लोकेश, अगर हम देखें तो जोधपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है, पिछले 4 दिनों की बात करें तो यहाँ पर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है और जयपुर के साथ साथ इनकी बात करें तो प्रदेश के 8 ऐसे जिले हैं जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं और उनमें सबसे अधिक जो संख्या है हॉटस्पॉट में, तो जयपुर में सबसे अधिक अब तक कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। और जयपुर में आज 17 कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद में जयपुर में 945 अब तक कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। वहीं बात करें तो उसके बाद में जोधपुर में कोरोना पॉजिटिव का लगातार इनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जोधपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 575 हो चुकी है, जो दूसरे नंबर पर। साथ साथ कोटा की बात करें तो कोटा तीसरे नंबर पर और कोटा में भी 205 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। अजमेर में लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, अजमेर में भी आज 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है, साथ साथ 3 कोरोना पॉजिटिव और सामने आए हैं और वहां पे भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या 164 हो चुकी है। ऐसे में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर अब प्रदेश में 2720 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। साथ ही साथ 65 आधिकारिक तौर से जो 2 बजे की रिपोर्ट आई थी उसमें 65 जो कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है, साथ ही उसके बाद में 1 जयपुर और 1 अजमेर में और कोरोना पॉजिटिव की मौत सामने आ चुकी है। ऐसे में 67 कोरोना पॉजिटिव अब तक प्रदेश में मर चुके हैं, जो एक बड़ी संख्या कही जा सकती है, चिंता का विषय। बिल्कुल, क्योंकि लोकेश मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है ये 4-5 दिनों में। जो अधिकांश मामले कोरोना के जयपुर में है वो अधिकांश रामगंज के हैं, साथ साथ रामगंज के अलावा भी जयपुर की बात करें तो सीएसकेएम सहित जो अन्य जो रिहायशी एरिया है जो वहां पर भी कोरोना पॉजिटिव लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में वहां पर भी चिंता के जो विषय है लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएसकेएम का एक 47 वर्षीय व्यक्ति भी आज कोरोना पॉजिटिव जिसकी रिपोर्ट आई है, वो देर रात मौत हो चुकी थी, उसकी आज कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो वहां पर भी एक जो चिंता की जो बात है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीएसकेएम में भी लगातार जो कोरोना पॉजिटिव, पहले भी एक पॉजिटिव आया था और अब भी एक कोरोना पॉजिटिव वहां पे सामने आया है। तो बात करें तो लगातार कोरोना पॉजिटिव जैसे जैसे आ रहे हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग सतर्कता बरतते हुए प्रदेश के जो जहां जहां कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वहां पे सैंपल कलेक्शन अधिक कर रहा है। साथ ही साथ में एक और जो विशेष जानकारी यह है कि अब तक जो प्रदेश में जहां कोरोना के जो 2 मार्च को पहला केस आया था उस दौरान 0 सैंपलिंग व्यवस्था इनकी जयपुर में, या बात करें राजस्थान में टेस्टिंग की सुविधा 0 थी, उसको बढ़ाकर अब 10,000 प्रतिदिन राजस्थान की सरकार या राजस्थान के चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी कर्मचारियों की इनकी मेहनत के बलबूते अब 10,000 प्रतिदिन जांचें राजस्थान में हो सकती है, जो कैपेसिटी राजस्थान है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया लोकेश आपका। तुम्हारे संवाददाता लोकेश ओला हमें अपडेट दे रहे थे कोरोना को लेकर किस तरीके से प्रदेश में इसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और पिछले 3 से 4 दिनों की बात करें तो जोधपुर में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।